मार दोगे, घूम जाते हो कहीं, कहीं का कहीं निकल जाते हो थोड़ा सोचने में, लेकिन ये सब क्या है, बच्चा थोड़ी हूं मैं, ऐसा नहीं। The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Mental status testing. आपका दिमाग सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत है कि नहीं है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आपके माइंड प्रॉब्लम्स, आपके जजमेंट, आपके अंदर कोई न्यूरो कॉग्निटिव बिहेवियरल डिसऑर्डर, इसकी टेस्टिंग कैसे होती है, मेंटल स्टेटस टेस्टिंग, ये चेक होती है आपकी, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए, राइट। सो आपकी कोई प्रॉब्लम अगर है ऐसी कि बढ़ रही है तो भी चेक किया जा सकता है रिपीटेड, कोई वर्स हो रही है तो भी देखा जा सकता है। करता कौन है, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एक न्यूरोलॉजिस्ट करता है नॉर्मली, न्यूरोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट ये करते हैं। इसमें क्या होगा, जिनको कॉमन टेस्ट, इसमें आपको कुछ टेस्ट दिए जाएंगे जिसमें एक तो मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन MMSE, या कुछ टेस्ट होते हैं फॉल्स्टीन टेस्ट, या फिर एक होता है मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट मोका, ये सारे टेस्ट होते हैं। इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले आपको असेस किया जाता है, आपका असेसमेंट, आपका फिजिकल अपीयरेंस, आप कैसे दिख रहे हो, आपकी उम्र क्या है, आप कपड़े कैसे पहन रहे हो, आपके कंफर्ट लेवल से बैठ पा रहे हो नहीं बैठ पा रहे हो, आपका जेंडर क्या है, आपकी ग्रूमिंग कितनी अच्छी है, हाइट वेट कैसी है, एक्सप्रेशन कैसा है, पोस्चर आई कॉन्टैक्ट कैसा है, उससे थोड़ा आइडिया मिलता है। आपका एटीट्यूड देखा जाता है, आप फ्रेंडली हो, हॉस्टाइल हो, गुस्से में हो, मार दोगे, वट एवर इट इज़, राइट, कोऑपरेटिव हो नहीं हो, राइट, या फिर अनसर्टेन हो, एम्बिवेलेंट टाइप्स, सो क्या है। फिर आपका ओरिएंटेशन देखा जाता है, आपका नाम क्या है, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट डू यू वर्क, व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू लिव, राइट, व्हाट डे एंड टाइम इट इज, राइट, व्हाट सीजन इट इज, कौन सा सीजन है, क्या है, ये देखा जाएगा। आप इरिटेबल तो नहीं है, काम काम है, एंग्शियस तो नहीं है, ये सब पे नोट किया जाएगा। और आपको कोई एबनॉर्मल एक्सप्रेशन तो नहीं दे रहे हो, कोई बॉबी बॉडी मूवमेंट तो नहीं है जो डिस्प्ले करे डिप्रेस बिहेवियर या फ्लैट डिप्रेस्ड अफेक्ट, ये इंडिकेट करें, ये देखा जाएगा। अटेंशन स्पैन देखा जाएगा कि आप एक जगह फोकस करते हो तो कितने देर कर पाते हो, अटेंशन स्पैन को पहले टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये सारे जो बेसिक आपके स्किल है ये इंटरफियर कर सकते हैं बाकी टेस्ट से। अटेंशन स्पैन के लिए प्रोवाइडर आपका डॉक्टर आपको चेक करेगा कि आप एक थॉट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो कि नहीं, या घूम जाते हो कहीं, कहीं का कहीं निकल जाते हो थोड़ा सोचने में, आपकी थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्व, छोटे मोटे प्रॉब्लम दिए जाएंगे आपको सॉल्व करने के लिए, फिर बीच में आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी, क्या आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, राइट, और ये सारी चीज़ें की जाएगी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे आपसे बोला जाएगा कि कुछ काम करो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला जाएगा कि एक नंबर लो, फिर उसको किसी चीज़ से 7 से सब्ट्रैक्ट करते जाओ, माइनस करते जाओ, एक पर्टिकुलर नंबर 100 को लेके उससे 7 माइनस करते जाओ, बोलते जाओ, फिर आपको उसमें से डिस्टर्ब किया जाएगा, देखा जाएगा आप कंप्लीट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ऐसे। फिर जिसमें आपको बोला जाएगा एक वर्ड लो, उसको फॉरवर्ड बोलो, उसको बैकवर्ड बोलो, राइट, स्पेल करो, उसको फॉरवर्ड स्पेल करो, बैकवर्ड स्पेल करो, या फिर एक 7 नंबर को आपको फॉरवर्ड, 7 नंबर्स दिए जाएंगे, रिपीट अप टू 7 नंबर्स, उसको फॉरवर्डली, और देन 5 नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर, ऐसे 7 नंबर्स लेटर कोई दिया जाएगा, उसको बोलेंगे देख के रिपीट करो फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, या बिना देखे रिपीट करो, वट एवर इट इज़, इसमें सोचा जाएगा। मेमोरी चेक की जाएगी, रिसेंट एंड पास्ट मेमोरी, बोला जाएगा आज आपने सुबह क्या खाया, कल क्या किया था, चाइल्डहुड में क्या किया था, स्कूल इवेंट्स, पुराने इवेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, राइट। 3 आइटम दिखाए जाएंगे और बोला जाएगा कि ये क्या है, और फिर 5 मिनट के बाद उसको रिकॉल करने के लिए बोला जाएगा भाई क्या था वो, राइट। लैंग्वेज फंक्शन देखे जाएंगे आपके, आपको पूछा जाएगा आइडिया बनाओ, कोई क्लियरली कोई आइडिया बना सकते हो कि नहीं, बेसिकली अगर आप अपने आप को रिपीट कर सकते हो कि नहीं, जो आपने बोला, जो डॉक्टर ने बोला वो चीज़ रिपीट कर सकते हो कि नहीं रिपीट कर सकते हो, कोई चीज़ माइंड में सही से जा रही है, रजिस्टर कर रही है कि नहीं कर रही है, राइट। अगर आपको कोई एक्सप्रेशन में, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, बोल नहीं पा रहे हो, एफेजिया है, वो भी समझ में आएगी। फिर कोई हर रोज़ की आइटम दिखाई जाएगी, उसका नाम बताओ, ये क्या है, फ़ोन है, वो क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इनके नाम बताओ, जो आपको पता होना चाहिए वो पूछा जाएगा, राइट। और
कोई सारे वर्ड्स पूछे जाएंगे आपको, लेटर्स जो एक कैटेगरी 1 मिनट में आपको वो रैपिड फायर राउंड होता है उसमें, राइट, कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे रीड करने के लिए, लिखने के लिए, फिर आपकी जजमेंट सोची जाएगी, आपको बोला जाएगा, एक प्रॉब्लम देने दिया जाएगा जिसमें देखा क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस दिखेगा ग्राउंड पे जमीन पे पड़ा तो आप क्या करोगे, राइट, आपको पुलिस कार आ गई है फ्लैश कर रही है लाइट आपके पीछे तो आप क्या करोगे, तो आपका जजमेंट कैसा है वो देखा जाएगा, राइट. और ये सब टास्क से आपके और लैंग्वेज प्रॉब्लम्स की आप रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, और ऐसे सारी टेस्ट किए जाते हैं. अगर बच्चों का टेस्ट हो रहा है, अगर बच्चों का टेस्ट है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि उनको ये बताना ज़रूरी है कि टेस्ट क्यों हो रहा है. तो उनको हर एक चीज़ का एक रीज़न दिया जाता है, चाहे वो एक्चुअल रीज़न हो या नहीं, ताकि उनका माइंड डाउट ना करे कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, राइट. वो पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, विलिंगनेस ज़रूरी है पेशेंट का पार्टिसिपेट करने का, और उसका पेशेंस ज़रूरी है. बोलेंगे ये सब क्या है, बच्चा थोड़ी हूँ मैं, ऐसा नहीं, टेस्ट ऐसे ही होते हैं, राइट. और नॉर्मल रिजल्ट में इसमें हर टेस्ट को सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, हर एक सेक्शन को एक स्कोर दिया जाता है, और आपका स्कोर फिर आपको आपका हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने में कि आपकी थिंकिंग, आपकी मेमोरी, आपका ब्रेन पावर कितना नॉर्मल है. जो एबनॉर्मल होते हैं उनमें बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस होते हैं, मेंटल स्टेटस में, उनमें आपको ये सारी चीजें डिस्कस करके ये एक मेंटल टेस्ट अकेला आपका डायग्नोस नहीं कर सकता. अकेला ये जरूर ये बता सकता है कि आपका परफॉर्मेंस पुअर है, हो सकता है आपके माइंड में कुछ और चल रहा हो सकता है कोई इमरजेंसी हो सकता है आप नहीं चाह रहे थे आना, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप एरोगेंट हो, हु नोज. तो इसीलिए टेस्ट बहुत ज़रूरी है, राइट. दूसरे टेस्ट जो हमने बताए थे पिछली बार अभी वीडियो में जो थोड़ा वो टेस्ट बहुत ज़रूरी है. फिर दूसरे टेस्ट अगेन डिमेंशिया, पार्किंसन, मेंटल डिजीजेज, अनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन, इन सब के ज़रूरी है. तो ये एक आइडिया दिया मैंने आपको कि कैसे होता है एक मेंटल टेस्ट, एक कॉग्निटिव न्यूरो कॉग्निटिव टेस्टिंग और ब्रेन स्टेटस एग्जामिनेशन. सो ऐसा होता है. सो अगेन कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए. एज यूजुअल लाइक का बटन दबाइए, शेयर करिए ताकि यूट्यूब या कहीं भी ये वीडियो जो है लोगों को रेकमेंड किया जाए. ठीक है,